कॉपी पेन लेके ही बैठी हूँ। ठीक है चलिए, तो एक बार पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांकों का भाग, है ना, पूर्णांकों का हम भाग पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि जब दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस की हो, जैसे मुझे माइनस के तीन, छह को माइनस के तीन से डिवाइड करना है। आंसर चैट सेक्शन में करते जाइए जिसे आता है। माइनस के छह को माइनस के तीन से भाग देना है। आपको पता है जब भी दो संख्याएं माइनस की होती है उत्तर प्लस का ही आता है, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, उत्तर आएगा प्लस का दो। मीन्स जब भी दो संख्या माइनस की होंगी उत्तर प्लस का ही आना है। अगला, अगर एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, अगर मुझे माइनस के छह को माइनस माइनस के छह को प्लस के तीन से करना है तब क्या आएगा? साफ दिख रहा है एक ही संख्या माइनस की है। यहाँ पे एक ही संख्या जब माइनस की होती है तो उत्तर क्या आता है? हमेशा उत्तर हमेशा माइनस का ही आता है, आता है ना? यस, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, माइनस का आता है, माइनस का दो आएगा। याद रखना जब भी एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो उत्तर हमेशा माइनस का आना है। ठीक, दो केस हो गए। तीसरा केस हो गया, अगर मैं ऊपर वाले संख्या को प्लस का कर दूं नीचे वाले को माइनस का कर दूं, मतलब अगर मुझे प्लस के छह को माइनस के तीन से विभाजित करना है तो क्या आएगा? यस, वेरी गुड। फिर से वही है, एक ही संख्या तो माइनस की है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तब भी उत्तर मेरा माइनस का ही आने वाला है। क्लियर है इतना? यस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है? ठीक है, बढ़िया, गुड। चलिए, ये तो हो गया हमारा रिवाइज। इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में ये किया था, आप लोग मुझे इतना बताइए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही बोला आप लोगों। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि 420 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 420 सेकंड में कितने मिनट होंगे? कैलकुलेट करिए और बताइए चैट सेक्शन में, 420 सेकंड में कितने मिनट होंगे? वेरी गुड यतिन, सबसे पहले आंसर आया आपका, गुड। साथ ही होंगे, बढ़िया। कैसे किया होगा आपने? आपको पता है कि भाई 60 सेकंड में एक मिनट होता है, तो 420 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 420 को आपने 60 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। शून्य से शून्य कटा, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, तो 7 मिनट होंगे। यस, क्लियर सभी को? ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, सभी बच्चे रेडी हैं इक्वेशन पोल में करने के लिए? इक्वेशन पोल सेक्शन में, ठीक, बढ़िया। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इसी तरीके का। आपसे बोला है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, टाइम पूरा मिलेगा आपको। बढ़िया, 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा संख्या रेखा का। सभी बच्चे क्लास में बने रहेंगे और वीडियो बिल्कुल ऑफ करेंगे जिसका वीडियो ऑफ है, जिसका भी वीडियो ऑन है।
गुड। अभी भी चार पांच बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। करिए। गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और, लास्ट के 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, सिर्फ दो ही बच्चों का गलत हुआ, बाकी सभी का ठीक है। चलिए बाकी सभी चैट सेक्शन में कर दो। बेटा वीडियो ऑफ करिए। हाँ वीडियो ऑन मत करो, आप नेटवर्क इशू हो जाता है, ये फिर स्क्रीन वगैरह दिखेगी नहीं या मेरी आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। चलो बहुत सिंपल, आपको पता है 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं, तो भाई 360 सेकेंड में 360/60, 60 से भाग कर दो आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 जगह 36, 6 मिनट होंगे। ए इसका सही उत्तर है। कुछ बच्चों ने बी पे टिक लगाया था, बी ऑप्शन पे। बेटा बी नहीं है, समझ में आया? जिसने बी पे टिक लगाया, दो बच्चों ने बी ऑप्शन पे टिक लगाया था, बी नहीं है सही उत्तर, ए सही उत्तर है। 360 को 60 से डिवाइड करोगे तो 6 ही तो आएगा, 12 थोड़ी ना आएगा। क्लियर सभी को? तो आगे टॉपिक पे बढ़े। तो अगला टॉपिक है हमारा संख्या रेखा नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम एक्सप्लेन करें ऐसे संख्या रेखा होती क्या है। तो ऐसी रेखा, ऐसे लाइन जिसपे हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली रेखा ही संख्या रेखा कहलाती है ना, जहाँ पे हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, आपको पता है? शून्य के साथ जब मैं धनात्मक संख्याएं ले लूँ, धनात्मक कौन सी, ये वाली प्लस वाली, और साथ में कौन सी संख्या ले लूँ, ऋणात्मक संख्या ले लूँ, ऋणात्मक कौन सी, माइनस वाली, तो ये जो मेरा पूरा ये बनेगा, यही तो हमारी संख्या रेखा होगी, जो मैंने पूर्णांकों में भी एक्सप्लेन किया था। यस, आप सभी को पता है कि शून्य के दाईं तरफ की सभी संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इन्हें, पॉजिटिव इंटीजर्स, और शून्य के बाईं तरफ सभी हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यस। दूसरी चीज जो संख्या रेखा के बारे में पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की जो दूरी है ना बेटा, समान होती है। समान मतलब शून्य से लेके एक तक की दूरी समान होगी, मतलब ये बिल्कुल समान होगा, बराबर होगा, एक से दो की भी बराबर होगी, जितनी शून्य से एक की होगी ना उतनी एक से लेके दो की भी होगी, हमेशा बराबर रखना है। ठीक है, दूरी का भी अलग अलग मत कर देना कि 0 से 1 की अलग कर दी, फिर 1 से लेके 2 की अलग कर दी, नहीं, जितनी शून्य से 1 की होगी उतनी ही सबके बीच में दूरी होनी चाहिए। और कितनी दूरी, इस दूरी को हम नापते हैं किसमें, तब क्या बोलते हैं, इकाई दूरी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, इकाई। ठीक है, एक मतलब इकाई मतलब एक एक सेंटीमीटर या एक जिस जितना भी आप रखना चाहे इकाई में होता है। ठीक है, यूनिट होता है। इतना क्लियर हो गया सभी को ना, समझ में आया संख्या रेखा कैसे बनानी है, दूरी बराबर रखना बिल्कुल। यस, बढ़िया। तो ये तो बात हो गई संख्या रेखा की। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है आपसे दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालना संख्या रेखा पर। जैसे लिखा है कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, आप 1 पे हो यहाँ पे और आपको जाना है यहाँ 4 पे, तो कितनी दूरी होगी इन दोनों के बीच की, बताइए। सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 होगी 4 होगी, कितनी होगी? अच्छा 3 लिख रहे हैं और कुछ ने 4 भी लिखा, एक दो बच्चों को। 2 होगी। चलो देखते हैं, दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। आप 1 पे थे
एक से आप दो पे गए, दो से तीन पे गए, फिर तीन से चार पे गए, तो एक इकाई ये दूरी हो गई, फिर एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई, टोटल कितनी दूरी हो गई? तीन इकाई दूरी हो गई, 3 यूनिट्स। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया कि आपने संख्या रेखा से निकाल लिया। अब अगर संख्या रेखा ना दी जाती तो कैसे निकालते? हमेशा जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछी है ना, उसमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। चार और एक के बीच की दूरी पूछी है ना, यस, माइनस कर दो बड़ी में से छोटी संख्या, तो उत्तर आ जाएगा 3 इकाई दूरी होगी, 3 यूनिट दूरी होगी। दो तरीके से करते हैं, एक तो आप संख्या रेखा से निकाल लो या आप माइनस करके निकाल लो। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या, यस, बढ़िया। सॉरी, सभी को क्लियर हो गया टॉपिक, दूरी कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, दूरी पता चल जाएगी। चलिए, तो पॉजिटिव संख्याओं की हो गई। अगर मैं यहीं पे बोल देती आपसे, जैसे मैं यहाँ पे ना संख्या रेखा बना रही हूँ और इस बार मैं माइनस की संख्याओं के बीच की बना रही हूँ, मैंने आपसे पूछा कि भाई दूरी बताओ शून्य और माइनस के चार के बीच कितनी आएगी, फिर से आप यहाँ पे हैं, आपको माइनस के चार में जाना है, कितनी दूरी है शून्य और माइनस चार के बीच की, सोच समझ के लिखना। चार या माइनस का चार? आप लोगों को कंफ्यूज करना बड़ा आसान है, पहले सही लिख रहे थे आप, प्लस का चार आएगी। क्यों आएगी? दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी हमेशा प्लस की होती है। आप कभी ये बोलते हो कि हम घर से स्कूल गए और मैं माइनस का 2 किलोमीटर चली या माइनस का 2 किलोमीटर चला, कभी सुना है? दूरी दूरी माइनस में नहीं हो सकती, तो जब भी अगर मुझे माइनस की संख्याओं के बीच की भी दूरी निकालनी है तो हमेशा प्लस में ही आएगी, दूरी माइनस नहीं हो सकती ना, ये याद रखना है। मैं तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोला था कि क्या माइनस नहीं आएगा, आपने बोला आएगा, नहीं आएगा। आप खुद देख लो ना, दूरी पूछी है, एक दो तीन चार ही तो दूरी है, और जो मैंने तरीका बताया था बड़ी में से छोटी संख्या, अब मुझे बताओ शून्य बड़ा है या माइनस का चार बड़ा है, शून्य बड़ा है या माइनस का चार बड़ा है, बताइए। पर वो शून्य है, वो चार है, शून्य बड़ा होगा पक्का? गुड, शून्य बड़ा है, वेरी गुड। 0 बड़ा है क्योंकि आपको पता है माइनस की सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती है। ठीक है, तो रूल क्या कहता था कि बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर दो, तो बड़ी तो शून्य है, उसमें से क्या घटाना है? छोटी संख्या। छोटी क्या है? माइनस का चार, घटा दो। अभी हम थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली क्लास में हमने संख्याओं को घटाना सीखा था ना, पूर्णांकों को, सेम वही लगाना है, एक आंसर एक ही बार टाइप करना है। यतिन, माइनस माइनस के चिन्ह प्लस बनाएंगे, शून्य में चार जोड़ोगे कितना आएगा? चार। तो वैसे भी दूरी चार ही आनी है। दो तरीके सीखे हैं ना हमने, या तो आप संख्या रेखा से दूरी निकाल लो या आप इस वाले तरीके से निकाल लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के, तब भी तो चार ही आ रहा है बेटा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, इस तरीके से निकाल लेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगी मैं। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे यही बोलती कि इस बार दूरी निकालनी है, इस बार दूरी आपको निकालनी है -2 से -3 के बीच की, -2 से -3 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सभी बताइए चैट सेक्शन में, -2 और -3 के बीच की दूरी, -3 के बीच। अगेन पूनम के नाम से जो बच्ची है बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये तो बोला है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो माइनस का 1 नहीं लिखोगे आप,
दूरी कभी हम माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है? यस, वेरी गुड। तो दो से आप तीन पे जाओगे तो एक ही दूरी है, एक ही इकाई की दूरी है, चाहे तो सॉल्व कर लो। आप बताओ माइनस का दो बड़ा है या माइनस का तीन बड़ा है? माइनस का दो बड़ा है या माइनस का तीन बड़ा है, बताइए सभी बच्चे। आपका माइनस का दो, ठीक है, एकदम सही बोला, माइनस का दो बड़ा है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है पूर्णांकों में उल्टा होता है, छोटी वाली नंबर बड़ा हो जाता है माइनस में, ठीक है? माइनस के दो में से घटा दो माइनस का तीन, देखते हैं आता है नहीं, प्लस का वन। अगेन वही माइनस माइनस प्लस, आपको पता है एक संख्या माइनस की एक प्लस की हमेशा घटता है, तीन में से दो घटाओगे एक आएगा, प्लस का एक। तो उत्तर तो यहाँ से भी देख लो ना बेटा, प्लस का एक ही आ रहा है, क्लियर? तो हमेशा याद रखना दूरी कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ये चीज माइंड में रख लो, दूरी हमेशा प्लस का नंबर होगा, माइनस कभी नहीं होगा। अगर सभी को समझ में आ गया तो सभी बताइए, पोल में क्वेश्चन दे दूं, सभी सही करोगे? या कोई बच्चा ऐसा रह गया है जिसको दूरी नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो अभी भी, कोई भी रेडी? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? दो और सात के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप यहाँ थे दो में, आपको जाना है सात में, बताइए दो और सात के बीच की दूरी। वेरी गुड, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो जैसा सिखाया था, फिर भी गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे। यस, आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड्स और हैं, कीजिए जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर। 5 4 3 2 1, बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे बी ऑप्शन पे टिक लगा रहे हैं कि चार है, चार कैसे हो जाएगा बेटा, मैंने क्या सिखाया, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, बी कैसे हो जाएगा ऑप्शन, सात में से दो घटाओगे तो कितना आएगा, पांच आएगा ना, पांच है दूरी इनके बीच की, चार कैसे हो जाएगी? यस, सात में से दो ही तो घटाना था, सात में से दो घटाओगे तो पांच आएगा, क्लियर हो गया? जिसका भी गलत है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो तो आंसर आ जाना है, ठीक? यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर सात जो है, सात चार के दाई ओर आता है या बाई ओर, मेरी संख्या रेखा बताना है। एक दो तीन चार पांच छ सात, चार की सात संख्या रेखा पर चार के किस तरफ आ रहा है, चार के किस तरफ आ रहा है, ये रहा चार, दाई तरफ आ रहा है या बाई तरफ आ रहा है? चार के दाई तरफ है या बाई तरफ है? वेरी गुड,
क्वेश्चन को ना आप ध्यान से पढ़ोगे तो साफ ये लिखा है कि सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। सिंपल, सात को पूछा है कि सात किस तरफ आ रहा है चार के, तो चार से कंपेयर करना है ना, तो चार के दाईं ओर आ रहा है। दिखा सभी को, चार के दाईं ओर ही तो सात है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, बाय क्यों लिख रहे हो, ये तो लिखा है सात, आप पढ़ो खुद पढ़ो, सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। तो सात तो चार के दाईं ओर आ रहा है ना, बाईं ओर लिखा है ज्यादातर बच्चों ने, पहले काफी बच्चों ने बाईं ओर लिखा था। क्लियर हुआ बेटा, दाईं ओर आ रहा है, बाईं कहाँ पे आ रहा है। यस, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो यस लेफ्ट साइड आएगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा समझ। चलो मैं करवाती हूँ। चलिए, ये मैंने संख्या रेखा बनाई। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा पर शून्य एक के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, दाईं या बाईं ओर आएगा। एक से कंपेयर करना है शून्य को, शून्य कहाँ आ रहा है, जीरो कहाँ आ रहा है, एक के किस तरफ आ रहा है। पहले एक को देखो, फिर देखो शून्य कहाँ है। सिंपल लिख दो, अगर बाएं लिख रहे हो तो लेफ्ट लिख दो, दाएं लिख रहे हो तो राइट लिख दो। LNR या ए और बी जो भी है, सभी को लग रहा है। शून्य वन के किस तरफ आ रहा है, वन ये रहा। पहले वन को देखो, फिर जीरो को देखो, जीरो कहाँ आ रहा है, वन के लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। यस, इस बार सही लिखा, वन के तो बाईं तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। यस, लेफ्ट साइड आएगा बेटा, बाईं तरफ। कोई ऐसा जिसने राइट साइड लिखा है। यस, दो तीन बच्चे हैं बेटा। क्लियर हुआ, आप ना कैसे करोगे इसे, आप ना देखो कैसे करना है इसको, ध्यान से ऐसे समझ लो। आपको क्वेश्चन देखना है, ये कॉमा लग रहा है ना, कॉमा लगा है यहाँ पे, कॉमा के बाद की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, एक के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, कौन, जो पहले लिखा है। तो जो बाद में संख्या लिखी है ना, उसके हिसाब से देखना है कि वो संख्या, मतलब कि एक को देखना है कि एक के किस तरफ आएगी, जीरो। क्लियर हुआ, कॉमा के बाद वाली को देखना कि किस तरफ आ रही है कॉमा से पहले वाली। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से चेंज कर दूं, फिर से इसे चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस का एक, माइनस के चार के किस तरफ आ रही है, माइनस का एक माइनस के चार के किस तरफ आएगी, माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, सेम वही किस तरफ आ रही है। तो माइनस के चार से देखना है, पहले तो माइनस का चार देखो किधर है, ये रहा। अब इस माइनस के चार के किस तरफ है माइनस का एक, समझ गए, बताओ दाईं तरफ या बाईं तरफ। अभी बच्चे बताएंगे पक्का। यस, इस बार आप लोग करेक्ट हैं कि माइनस का वन चार के दाईं तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड, सभी का ठीक है। तो बेटा सभी को क्लियर हो गया कैसे करना है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। हाँ बताइए,
अभी वो क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आ रहा हो ना, प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दो एग्जाम्पल और करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पोल में आएगा, ठीक है? तो आपने करना वही है, यहाँ देखना कॉमा के बाद वाली देखना, और देखना इसको प्लॉट करने ना पहले, फिर देखना उससे पहले वाली संख्या को, इसके हिसाब से बताना है आपने, कॉमा के बाद वाली के हिसाब से। स्टेटमेंट क्लियर है? करें पोल में क्वेश्चन? चलिए, अच्छा आपने इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे? अगर मैं आपसे बोलती कि 3 4 के किस तरफ, चलो वही सही है, जो तरीका मैंने बताया। देखो क्वेश्चन आ गया, सभी को दिख गया। आपसे पूछा है संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आ रहा है, इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो सिर्फ। 7 के किस तरफ आएगा? क्या 2 किस तरफ आएगा? 7 के राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड? तो संख्या रेखा बना के करो तो क्वेश्चन सही जाएगा। संख्या रेखा बना लेना सभी बच्चे कॉपी में। 7 के किस तरफ आ रहा है? 2। बेटा मैं बार बार वही कह रही हूँ, क्लास लीव करके मत जाइए, टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। बढ़िया, गुड। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया, अभी भी 2 3 बच्चे रह गए हैं, उनका नहीं आया आंसर। करिए बेटा, मुझे भी लग रहा है अभी भी ना 2 4 बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है ढंग से कि 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। बेटा ए और बी 2 ही ऑप्शन है, आप सी ऑप्शन पे टिक क्यों लगा रहे हो? सी और डी गलती से टाइप हो गए मुझसे, जब ए और बी ही ऑप्शन दिख रहे हैं तो सी पे क्यों टिक लगाया? थोड़ी तो कॉमन सेंस लगा दो। आखिरी के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। काफी बच्चों ने गलत किया है। ऐसे सभी बच्चे अब चैट सेक्शन में टाइप करो, जिसने जो ऑप्शन लगाया है ना सभी टाइप करें, सभी करेंगे, सभी के सभी, मुझे देखना है सभी ने क्या आंसर लगाया है। अभी करना, जो आंसर टिक करा है पोल में वही लगाना है। ठीक, ए ऑप्शन वाले मुझे 2 ही दिख रहे हैं, जबकि वहां पे 4 बच्चों ने ए पे टिक किया है। मुझे 4 ऑप्शन 4 आंसर्स आने चाहिए ए वाले, 2 ही बच्चों ने लिखा है अभी। ए जिसने भी लिखा है प्लीज लिखिए। देखो सबका देख के लिखोगे तो दिक्कत आप ही को आएगी, मुझे तो ये लगेगा ना कि आपको समझ में आ गया, दिक्कत आप ही को आनी है, नहीं आएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको मैंने क्या बोला कैसे देखना है? कॉमा के बाद का संख्या देखो, 7 के किस तरफ स्थित है? 7 13, 7 के किस तरफ स्थित है कौन सी संख्या? 2। 2 ये रही, तो बेटा 2 7 के बाई तरफ ही तो आ रही है, आ रही है या नहीं? ये हिस्सा बाई तरफ होता है और जब इस तरफ को जाते हो ये दाई तरफ होता है। कर क्लियर? बाई और दाई में कंफ्यूजन है किसी को? दिया बेटा
क्लियर हो गया, बाईं तरफ आएगी बेटा, 20 का सही उत्तर है। नहीं बेटा वो लोग बताइए जिनने ए पे टिक किया था, यतिन। क्लियर हुआ? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगली चीज अब यहां से आती है हमारी, ये अभी जो मैंने आपको सिखाया वही, तो वही आपको ये चीज पता है कि शून्य के दाईं तरफ राइट हैंड साइड सभी ही धनात्मक पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सभी को पता है। और शून्य के बाईं तरफ लेफ्ट साइड सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इतना क्लियर है सभी को? ये याद रखना, बाईं तरफ माइनस वाले पूर्णांक, दाईं तरफ प्लस वाले पूर्णांक। क्लियर है? तो पोल में करें क्वेश्चन, क्वेश्चन पोल में करते हैं एक और। ठीक है, ठीक। तो आपके सामने कुछ संख्या रेखाएं बनी हुई हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि -2, माइनस का 2 कौन सा दर्शा रहा है? क्या ये माइनस के 2 को दर्शा रहा है संख्या रेखा में, क्या ये माइनस के 2 को दर्शा रहा है, क्या ये माइनस के 2 को दर्शा रहा है, या ये माइनस के 2 को? माइनस के 2 को सही ढंग से कौन सी वाली संख्या रेखा दर्शा रही है इन चारों में से, ए बी सी डी में से? माइनस का 2, वेरी गुड। वेरी गुड, गुड। बढ़िया, तीन चार बच्चे और रह गए हैं पोल में करने के लिए, करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइनस का 2 कौन सा दर्शा रहा है, कीजिए। दो तीन बच्चे रह गए, यस, लास्ट के 5 सेकंड्स और। सभी का ठीक जा रहा है, गुड। 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ये तो सभी का ठीक है, साफ दिख रहा है। माइनस का 2 शून्य के बाईं तरफ आते हैं ना, माइनस वाली संख्या, तो माइनस का 2 ये दर्शा रहा है, सही है। ठीक, क्लियर सभी को? ये आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन आ रहा है अब फिर से पोल सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा बनी है नीचे, आपको पूछा है कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 0 2 के बीच में आता है, या 2 या 4 के बीच में आता है, 4 या 7 के बीच में आता है, या 5 या 7 के बीच में, किन दो संख्याओं के बीच में आती है 3? वेरी इजी क्वेश्चन, गुड। सभी बच्चे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। तीन कहाँ आ रहा है, संख्या रेखा भी नीचे बनी हुई है पोल सेक्शन में। यस, सही जा रहा है, गुड। दो बच्चे और रह गए हैं पोल में करने के लिए, कीजिए। सभी बच्चे करेंगे पोल में, मैं देखूंगी कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता। 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है?
आखिरी के 5 सेकंड, सॉरी 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बेटा अक्षय के नाम से जो बच्चा है बेटा, यहाँ देखो 0 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 तो बेटा 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में तो 3 आ रहा है। आपने ये क्यों लिखा, 0 और 2 के बीच में तो 1 आता है ना, 0 और 2 के बीच में तो 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है। क्लियर हुआ, बी इसका सही उत्तर है। गलत हो गया आपसे, मैं गलती से दब गया। हाँ जल्दीबाजी में नहीं करना था आंसर, ठीक है, बीस का सही उत्तर है। चलिए तो संख्या रेखा हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अगला टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो है भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है। आपके सामने आपको एक रोटी दिखाई दे रही है ना, आपसे बोला है इस रोटी को आप 2 भाइयों में बिल्कुल बराबर कैसे बांटोगे, मैथ की टर्म में, गणित की भाषा में 2 भाइयों में कैसे बराबर बांटेंगे आप इसे, कितना कितना हिस्सा देंगे दोनों भाइयों को, वो पूछ रही हूँ। गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं अगर मुझे बराबर बांटना है, भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में, ठीक है। हाँ वेरी गुड, भिन्न के रूप में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट लिखा सभी ने, एकदम करेक्ट लिखा। जिन्होंने अभी 1/2 लिखा है ना, आधा आधा ही तो करोगे, आधा आधा करोगे, आधा ही आधा ही। अब इस आधे का मतलब क्या है बेटा, आधा ही करोगे बीच में से, ठीक है। इस आधे को हम 1/2 बोल रहे हैं। अब 1/2 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इस एक जो रोटी थी ना ये पूरी, इसको कितने हिस्से में तोड़ दिया, 2 हिस्से में, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्से में तोड़ दिया। अब हर 2 हिस्से, 2 में से हर एक भाई को एक ही हिस्सा तो मिलेगा, पहले भाई को 2 में से 1 हिस्सा मिलेगा। ये नीचे वाला दर्शा रहा है कि कितने हिस्से थे टोटल, कि टोटल 2 हिस्से थे एक रोटी की, और हर 2 हिस्से में से हर एक भाई को एक ही हिस्सा तो मिला, तो ऊपर वाला दर्शाता है कितना हिस्सा मिला, तो हर भाई को 2 में से 1 ही हिस्सा मिला। क्लियर हो गया सभी को, इसका मतलब होता है 1/2, 1/2। यस चलिए ठीक है, आधा आधा, ठीक है। जैसे डेली लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, नींबू को आधा करना बिल्कुल बीच में से चाकू से कर देते हो, है ना। जैसे इस अर्ध, इस व्रत को आधा करना अर्ध व्रत में, वर्ग को आधा कर देना, तो सबको आधा आधा करना ही 1/2 कहलाता है, आधा मतलब 1/2, ठीक है। यस, अब फिर से रोटी आ गई। अब क्या करना है कि अब 2 भाइयों के ना एक एक दोस्त आ गए, अब वो कितने लोग हो गए, टोटल 4 लोग हो गए। अब इसी रोटी को आप 4 लोगों में कैसे बांटोगे बराबर, फिर से वही क्वेश्चन, कितना हिस्सा आएगा हर एक लड़के के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इसे 4 हिस्सों में तो तोड़ोगे, पहले आधा था, अब आधे का भी आधा कर दिया आपने, है ना। तो कितने हिस्से थे, येरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्से हो गए, और हर 4 हिस्से में से हर एक भाई को कितना हिस्सा मिलेगा, हर एक लड़के को एक हिस्सा तो मिल रहा है 4 में से, इसे भी 4 में से 1 ही मिलेगा, इसे भी 4 में से 1 ही मिलेगा, और इसे भी 4 में से 1 ही मिलने वाला है, इसलिए 1/4 होगा। क्लियर सभी को, यस, ठीक है। अब आता है भिन्न क्या होता है, भिन्न होता क्या, फ्रैक्शन होता क्या, आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा। आप मार्केट जाते हो ना, बाजार जाते हो, क्या बोलते हो, आधा किलो सेब दे दो, है ना, या 1.5 किलो सेब दे दो, या कुछ भी, 2/3 पानी, 2/3, 1/4 रोटी, 1/4, है ना। तो हम
अनजाने में हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं भिन्नों को अपने डेली लाइफ में, ठीक है। अब भिन्नों की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। जिस भी संख्या को, जैसे अगर मैंने लिखा 5/6, 3/4, 8/5, ठीक है, इस तरह की जो संख्या जिसको मैं P/Q के रूप में लिख रही हूँ, आपको साफ दिख रहा है ना सबको, मैं P/Q के रूप में लिख रही हूँ। P यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली संख्या, Q यहाँ पे है नीचे वाली संख्या, ठीक है। जिस भी संख्या को मैं P/Q के रूप में लिख सकूं वही हमारा भिन्न कहलाती है, या ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण का एक हिस्सा हो, किसी पूर्ण संख्या का कुछ हिस्सा, पूर्ण का कुछ भाग ही हमारा भिन्न कहलाता है, ठीक है। कोई पूरी चीज है उसका थोड़ा सा हिस्सा ही हमारा भिन्न कहलाएगा, क्लियर हुआ। जैसे आप इसे ऐसे रोटी वाला एग्जाम्पल देखा था कि एक रोटी थी, उसको आपने दो हिस्सों में तोड़ा, तो एक बड़ी सी एक रोटी में से आपने दो हिस्से कर लिए ना, तो पूरे का कुछ हिस्सा ही तो भिन्न था वहां पे, 1/2, क्लियर हुआ। जैसे हम इसे डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे ये बना रही हूं मैं आपके सामने, क्योंकि आयताकार शेप है। अब ये रहा एक था, मैंने ना इसके कितने हिस्से कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, रंग भर रही हूँ। अब आप मुझे बताओगे इसमें से, इस हिस्से में से लाल रंग कितने हिस्सों में, भिन्न के रूप में लाल रंग कितने हिस्सों में, वो आप मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में। टोटल कितने हिस्सों में बटा हुआ है ये पूरा एक आयताकार आकृति, और कितने हिस्सों में लाल रंग है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने देखा 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में बटा है, और 5 में से लाल रंग सिर्फ 2 हिस्सों में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ये दर्शाएगा 2/5। और 2/5 आपको साफ दिख रहा है P/Q के रूप में है, और इस पूरी की पूरी जो हमारा आयताकार आकृति था इसका कुछ हिस्सा है। मैंने पूरे में तो रंग नहीं किया ना बेटा, अगर मैं पूरे में लाल रंग कर दूं तो क्या दर्शाएगा ये, अगर मैंने सभी के सभी में लाल रंग कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा हो गया, नहीं, इसका मतलब है कि ये एक बन गया, पूरा एक, क्लियर हुआ। अगर मैं सबके सब में लाल रंग भर दूं तो एक ही तो माना जाएगा, ये सही समझ में आ रही है आपको, सब में लाल रंग होगा तो पूरा एक चीज बन गई। लेकिन हमने भिन्नों की परिभाषा पढ़ी है कि पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए हमें सब में लाल रंग नहीं करना है, अगर सब में लाल रंग कर दूंगी तो ये भिन्न रहेगा ही नहीं क्योंकि अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, क्लियर हुआ सभी को। मैम आपकी आवाज सही, बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू है कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हरा रंग कर दूं और आपसे पूछो कितने रंगों, कितने में हरा रंग है, कितने हिस्सों में हरा रंग है, बिल्कुल भी सही नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। मैंने आपसे पूछा कितने हिस्सों में हरा रंग है, बताइए। भिन्न के रूप में लिखना है, 3 में तो है लेकिन भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे इसे, भिन्न के रूप में ऐसे ही तो लिखोगे कि 5 हिस्से थे, टोटल 5 हिस्से थे और 5 में 3 हिस्सों में हरा रंग है, क्लियर हो गया सभी को बेटा। भिन्न क्या होते हैं, किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा हमारा भिन्न कहलाता है, या जिसमें P/Q के रूप में लिख सकते, क्लियर। यस ठीक है, तो भिन्न कुछ भी हो सकता है, 8/5, 5/8, 1/3, ठीक है, 2/4, कुछ भी जो हम P/Q के रूप में लिख सके वही मेरा भिन्न है, ठीक है। मतलब किसी पूर्ण का वो एक भाग भी होना चाहिए, क्लियर। अब आपको ना यहाँ पे कुछ डायग्राम नजर आ रहे हैं ऐसे जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं, अब आपको मैच करना है, ठीक है। पहला वाला पहले वाले का मैचिंग बताओ, ये ऊपर वाला रंग ये तो आपको दिख रहा है कि ये
बैगनी कलर सा दिख रहा है, हल्का बैगनी, और नीचे वाला रंग हरा। आपको बताना है हरा और बैगनी रंग इनमें से कौन सा भिन्न दर्शा रहा है। टोटल में से हरा और बैगनी रंग कौन सा दर्शा रहा है। तो पूरे जो हमारा गोला है उसको हमने कितने हिस्सों में तोड़ा है पहले तो वो देखो, और कितने हिस्सों में बैगनी है कितनों में हरा है। तो बैगनी और हरे रंग को कौन सा वाला दर्शा रहा है। यस, एकदम करेक्ट, ये वाला ना तीसरा, 4/8। 8 कैसे, कितने हिस्से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 में से बैगनी भी 4 है और हरे भी 4 है, तो इसलिए 4/8 हो गया। क्लियर। यस, बैगनी भी 4 है और हरे भी 4 है, इसलिए दोनों 4/8 ही दर्शाएंगे। पहला हो गया। दूसरे वाले में देखो, चार त्रिभुज है, चार में से तीन में रंग है, तो कौन सा वाला दर्शा रहा है। ये बी वाला, बी का ऑप्शन कौन सा होगा, मैच करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो चार पीस थे, चार हमारे त्रिभुज है, और चार में से तीन में रंग है, तो चौथा वाला है इसका उत्तर, का है चौथा, का है तीसरा। सी वाले को देखो, कितने एरोज नजर आ रहे हैं और कितनों में आपका रंग नहीं, ये वाला रंग है, हरा वाला रंग, लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, कितनों में दिख रहा है आपको। बैगनी वाला नहीं देखना, नहीं बैगनी वाला नहीं देखना बेटा, जिसमें हल्का सा हरा रंग दिख रहा है आपको, ये दो एरो कौन से वाले को दर्शा रहे हैं, जिस पे मैंने टिक करा है, बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। टोटल 5 एरो है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 5 में से 2 में हमारा हल्का रंग है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में अगर मैं आपको पूछती कि बैगनी कलर कितना क्या दर्शाएगा, इन्हीं एरो में बैगनी रंग कितनों में होता, तो क्या लिखते आप, बैगनी वाला बोलती मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैगनी वाला बोलती तो आप 3/5 ही तो बोलते, 3 में बैगनी है 5 में से, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया भिन्न को हम कैसे डायग्राम के रूप में भी कैसे दर्शाते हैं। क्लियर। यस ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको ना मैं अब होमवर्क शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसके आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। कोई क्लास से मत जाना, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो होमवर्क है आपका संख्या रेखा वाला, प्रश्नावली 12.1, 12.2 दिख रही है सभी को, प्रश्नावली 12.1, 12.2 नोट डाउन कर लो सभी, और साथ में 13.1, 13.1, क्लियर। यस, हाँ, इसके आगे का अगली क्लास में हम करेंगे।